नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर के मकरोनिया स्थित ऑन डोर मॉल में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री बेचे जाने का मामला सामने आया है। इसमें जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए मॉल पर छापामार कार्यवाही की और मॉल से एक्सपायरी डेट के आटा, बिस्कुट और जूस के पैकेट जब्त किए हैं। वहीं खाद्य विभाग ने सभी खाद्य सामग्री के सैंपल जाँच के लिए भोपाल स्थित लैब में भेजे हैं। नायब तहसीलदार सोनम पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि मनेशिया निवासी अंकित परमार ने मॉल में एक्सपायर डेट का सामान मिलने की शिकायत की थी, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने 25,000 का सामान ऑन डोर मॉल से लिया था, जिसमें अधिकांश सामान एक्सपायरी डेट का मिला। शिकायत मिलते ही थाना पुलिस हरकत में आई और मामले की जानकारी प्रशासन को दी। नायब तहसीलदार सोनम पांडे ने बताया कि मॉल में मिले आटे के पैकेट 2 नवंबर को एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन संचालक द्वारा आज दिनांक तक बेचा जा रहा था। टीम ने आटे का पूरा लाट सील कर दिया है। वहीं बिस्किट और जूस के पैकेट भी एक्सपायर डेट निकलने के 15 दिन बाद तक बेचे जा रहे थे। फिलहाल खाद्य प्रशासन ने ऑन डोर मॉल के मालिक पर मामला दर्ज किया है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार।